अब वलवला ताज़ा तो मलिक रियाज साहब की हाँ है, दिल गिरफ्ते हैं बहुत से। लंदन बैठे हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे थे और बात करना चाहते इसी मौजू पर, रोहिंग्या मुसलमानों के हालत ज़ार पर। सलाम अलैकुम मलिक साहब। सलामकुम जी। बिस्मिल्लाह। मसा क्या फरमा रहे थे आप? मैं वो शामी साहब, जो आपका प्रोग्राम था बर्मा के मुसलमानों के लिए, मैं हाँ जी इसी सर, पर मजीद आगे लेके बात करना चाहता हूँ। हाँ जी सर, हम लोग क्या बेहिस हो गए हुए हैं, बेजमीर हो गए हुए हैं, बेगैरत हो चुके हुए हैं? हम मुसलमानों को क्या हो गया हुआ है हमसे बेहतर? आपने कनाडा के वजीर आजम का किरदार देखा, आपने जर्मन चांसलर का किरदार देखा, आपने यूरोप के कई मुल्कों का किरदार देखा कि उन्होंने उन्होंने मुसलमानों को अपने यहां बना दी। क्या जी हाँ, सीरियन हम रेफ्यूजीज दस को। पंद्रह लाख लोगों को नहीं रख सकते? क्या ये 10 लाख आबादी है सिर्फ, हम 11 लाख एग्जैक्टली। वो तो 1-1.5 लाख तो मर भी चुके होंगे बेचारे। मतलब हमें 1 लाख का भी बात करनी चाहिए। मैं 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूँ, मैं जमीन देने के लिए तैयार हूँ, मैं उनको कमरे बना के देने के लिए तैयार हूँ। मैं मतलब कोई हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं है। हमारे लोगों ने अरबों रुपया लूटा हुआ है इस मुल्क का, वो कहाँ लेके जाना है उन्होंने थारों ने? यानी मलिक साहब, आप ये ऐलान कर रहे हैं, जो मैं समझाऊं, कि आप अगर रोहिंग्या मुसलमानों को पाकिस्तान किसी हद तक ले लेता है तो आप उनको कमरे, जमीन और रिहाइश का देने का ऐलान कर रहे हैं और 1 करोड़ रुपए का ऐलान कर रहे हैं। एक अरब, बिल्कुल। मैं तो एक गवर्नमेंट अरब जो रुपए काम कहे, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो कहे, गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट मिलके हमें इसमें आवाज उठानी चाहिए। आप देखें इससे कितनी बरकत बढ़ती है। पाकिस्तान के आधे से ज्यादा मसाइल अल्लाह खत्म कर देगा। अल्लाह बिल्कुल ताला का निजाम, अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह ताला की तरीकी है कि आप किसी का ख्याल करेंगे तो अल्लाह आपका ख्याल करेगा। बिल्कुल ठीक है जी। खुदा के लिए शामी साहब इसके ऊपर कंटिन्यू प्रोग्राम करें और इनका जमीर झंझोड़ रहे हैं, ठीक, और हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट मिलकर बैठ के फैसला करें कि हमने इतना लेना है। आपने देखा था कि हमारे में कितना जज्बा था जब कश्मीर में जलजला आया था। जलजला आया था जी, आपने 2005 65 की जंग में, छोटा था तो मुझे पता कितना कितना हमारे में जज्बा था। वो जज्बा हमारा कहाँ गया? वो किसने हमारे जज्बे को तबाह कर दिया? हमें अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हम दहशतगर्द करार दे दिए जाएंगे। हमें हमारा भी वही हाल होगा जो बर्मा के मुसलमानों का हो रहा है, अल्लाह ताला हम अगर हमने इसके ऊपर सही तवज्जो नहीं दी तो। ठीक, चलें, ये आपकी तरफ से इनिशिएटिव सामने आ गया, बड़ा अहम ऐलान है। 1 अरब रुपया और जी, और कमरे भी और रिहायश का भी देने को तैयार है।